नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एंड कायज़ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर सेवनटीन जो है आपके पास बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग कि जो भी आपके पास टीचिंग एंड लर्निंग है उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं एंड किस तरह से वो वर्क करती है क्योंकि आपको पता है एवरी इंडिविजुअल जो है उनमें यूनिक एबिलिटी होती है यूनिक टैलेंट होता है एंड कुछ डिसेबिलिटीज भी होगी तो टीचर का काम होता है उन सभी को समझना एंड उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना या उनके लिए डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजी को बनाना ओके सो यही काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है जो कि टीचर के सामने एक चैलेंज होता है इंडिविजुअल डिफरेंस जहाँ पर आपके पास टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो है वेरीज करती है ओके तो फर्स्ट आता है टीचिंग है क्या सो टीचिंग इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स थ्रू विच टीचर टू ब्रिंग डिज़ायर चेंज इन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट बेसिकली जिस तरह से लर्निंग का मीनिंग है चेंज ऑफ बिहेवियर उसी तरह टीचर अपने टीचिंग से बच्चे के बिहेवियर को चेंज करता है जो वो डिज़ायर यानी जो बच्चे का डिज़ायर है वो कोशिश करता है कि बच्चा उस डिज़ायर को अटेन करे ओके हमारे पास कुछ डेफिनेशन है यहाँ पर जिनको तो आप जरूर पढ़िएगा फर्स्ट है हमारे पास एडमंड अमीडोन ओके एडमंड एडमंडीडोन क्या कहते हैं टीचिंग इंग एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस प्राइमरली क्लासरूम टॉक विच टेक प्लेस बिटवीन टीचर एंड पीपल एंड अकड़ ड्यूरिंग सर्टेन डेफिनेबल एक्टिविटीज़ तो जो आपके पास एडमंड अमीडोन है वो कहते हैं कि टीचिंग जो है आपके पास एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है एंड सब प्राइमरी सोर्स जो है इसका वो क्लासरूम है या क्लासरूम में जो बातें होती हैं आपके पास वो है इसमें इंट्रैक्शन होती है टीचर्स की बच्चों की एंड जो भी वहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसके बाद आता है एच सी मॉरसन तो एच सी मॉरसन क्या कहते हैं टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सन एंड लेस मैच्योर वन विच इज डिज़ाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर एंड क्लार्क के थ्रू वो कहते हैं टीचिंग रेफर टू एक्टिविटी दैट आर डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर ओके तो ये डेफिनेशन समाइम एग्जाम्स में आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी डेफिनेशन किसने दी थी अब चलते हैं टीचिंग के ऊपर कि टीचिंग किस तरह से वर्क करती है द ग्रेट टीचर इज़ वन हु स्टूडेंट रिमेंबर एंड क्रिस फॉर एवर एंड टीचर हैव लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ दियर स्टूडेंट एंड द ग्रेट टीचर इंस्पायर स्टूडेंट टू वर्ड ग्रेटनेस तो आपको पता है टीचर का क्या रोल होता है ज़िंदगी में तो so इसको हम ज़्यादा नहीं बताएँगे अकॉर्डिंग टू एन एल गेट्स तो डेफिनेशन है यहाँ पे टीचिंग स्किल आर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज एंड प्रोसीड दैट टीचर मे यूज इन द क्लास जो एन जे गेज ए आपके पास वो कहते हैं जो आपके पास टीचिंग स्किल है वो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है एक्टिविटीज है जो कि प्रोसीड होती है क्लास रूम में एंड देयर आर रिलेशन टू वेरियस स्टेज ऑफ टीचिंग इन द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ए टीचर परफॉर्मेंस ओके तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजी है स्टिमुलस क्लोज री इनफोर्मेंट प्रोविंग क्वेश्चनिंग सेट इंडिक्शन साइलेंस नॉन वर्बल आस्किंग क्वेश्चन डाइवर्स क्वेश्चनिंग ओके एंड हाई ऑर्डर अटेंशन बिहेवियर इलिस्टेशन लैक्चर प्लानिंग रेपिटेशन एंड कंपिटेंस ऑफ कम्युनिकेशन तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके पास तो चलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर तो लर्निंग क्या होता है आपके पास फर्स्ट आती है हमारे पास लर्निंग इज एजुकेशन साइकोलॉजी दाब मोटिव बिहाइंड टीचिंग इज टू डेवलप कोगनेटिव स्किल एंड ब्रिंगिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ़ द स्टूडेंट ओके बच्चे के बिहेवियर को चेंज करना जो है इसका मेन मोटिव है एंड लर्निंग इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस विच नैवर एंड जो आपके पास लर्निंग है वो कॉन्स्टेंट प्रोसेस है और कभी भी स्टॉप नहीं होती है हमारे पास नीचे यहाँ पर कुछ मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जो कि लर्निंग को रिप्रजेंट करती है दे आर आर वेरियस प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच हैव बीन सुजेस्ट

नेक्स्ट आता है कोरिलेशन द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन फोकस ऑन द टीचर टू टीच विद द हेल्प ऑफ कोरेशन मैथड अब टीचर जो है किसी भी टर्म से बच्चों को पढ़ा सकता है फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ के एग्जाम्पल देकर या उन्हें नई नई एक्टिविटीज़ करवा कर नेक्स्ट आता है मोटिवेशन तो आपको पता है मोटिवेशन हर एक चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है अगर टीचर बच्चे को मोटिवेट नहीं कर पाया तो वो बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाएगा अगर उसने बच्चे को एक तो बार मोटिवेट कर दिया स्टडी के लिए अपनी लाइफ में आगे कुछ करने के लिए तो वो अपने आप ही स्टडी कर लेंगे एंड नेक्स्ट अदर री इन्फोर्समेंट दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी दिस थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट प्रोड्यूसिंग लर्निंग बाई परनाउंस बाय द फेमस बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट बी एफ स्किनर आपके पास बिहेवियरिस्ट या बिहेवियर साइकोल बिहेवियर थ्योरी किसने दी थी बी एफ स्किनर ने ओके तो ये री के ऊपर है अगर बच्चे को रिवार्ड मिलता रहेगा साथ साथ में तो वो ज़्यादा वर्क करेगा एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर इज गवर्न बाय टू टाइप ऑफ री किस तरह की पॉजिटिव एंड नेगेटिव री इन्वॉलमेंट एंड बिहेवियरिज्म थ्योरी किसने दी थी बी एफ स्किनर ने फिर आता है स्टिमुलस तो दिस रेफर टू अ स्टेट ऑफ अरसल within the individual and एंड इट that दैट individual इंडिविजुअल इज he इज मोर इफेक्टिव एंड एक्टिव ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस ये भी आपके पास reinforcement का ही पार्ट है अगर आप बच्चे को स्टिमुलस मिलता रहेगा फॉर एग्जाम्पल कि आप ये काम कीजिए आपको टॉफी मिलेगी तो बच्चे जल्दी से उस काम को पूरा कर देंगे नेक्स्ट आता है रिविजन एंड प्रैक्टिस द प्रोबर प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट तो ये आपको पता ही है जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में इम्प्रूवमेंट होगा नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग तो वेरियस मेथड जो है यूज़ करते हैं फर्स्ट इज टेलिंग मेथड टेलिंग मेथड में आपके पास इंक्लूडिंग लेक्चर डिस्कशन एंड स्टोरी टेलिंग आती है ओके okay? फिर प्रोजेक्ट मेथड आता है इसमें सॉरी इंक्लूड प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्स्ट बुक मेथड एंड सो ऑन सारे मैथड आते हैं फिर आपके पास विजुअल मैथड आता है दिस इंक्लूड डेमोस्ट्रेशन सुप्रीवाइज्ड स्टडी एंड सो ऑन तो इसमें आपके पास विजुअल में डेमोस्ट्रेशन या सुप्रीवाइज स्टडी आती है फिर मेंटल मैथड होता है जिसमें हमारे पास इंक्लूड इंडक्टिव डिडक्टिव एनालिस एंड सिंथेसिस एटसेकट्रा आती है तो गैस ये आपको पता होना चाहिए कि लेक्चर मैथड कौन से मैथड के अंडर आता है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बन सकता है फिर आती है लेसन प्लानिंग तो ये सारा का सारा जो आप बी में करते हो वहाँ पर हम सेट करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव तो ये सारी के सारी टर्म जो यहाँ पर पार्ट होती है तो चलिए डायरेक्ट नीचे चलते हैं क्योंकि लेसन प्लानिंग आपको पता है कि क्या होती है तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो दीज मे बी क्लासिफाई अंडर कोवनेटिव साइकोमोटर एंड अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव ओके सबसे पहले क्या करते हो आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो उसके बाद आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए जैसे आप टॉपिक लोगे एंड उसमें आप जो भी लेसन रेफरेंस मटेरियल सारे का सारे को इकट्ठा करोगे फिर आपके पास लर्निंग एक्टिविटी आती है कि आप बच्चों को किस तरह से वो लेसन पढ़ाओगे जैसे प्रिपेरी एक्टिविटीज़ फ़ॉर एग्जांपल ड्रिल हो गया आपके पास प्री रिक्वेस्टिंग स्किल ऑफ द लेसन बच्चे को पहले जो नॉलेज होगी उसके बारे में बताएंगे धीरे धीरे फिर रिव्यू आ जाएगा कि हम इस पर इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं फिर इंट्रोडक्शन आएगी फिर मोटिवेशन आएगी ओके okay. मोटिवेशन में आपके पास इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव दोनों की दोनों मोटिवेशन वर्क करेगी नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ सो दिस इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ लेसन डिस्कशन एनालिसिस एंड एब्सट्रैक्शन क्लोज दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन एंड इवेल्युएशन फिर असाइनमेंट तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये एक है क्या जब भी कोई आप जैसे ऑफ द लेसन तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल लाइफ सिचुएशन को हम उनके सामने लाएंगे जिससे वो उस चैप्टर को अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकें फिर चलता है एनालिसिस द टीचर आस्क सीरीज ऑफ इफेक्ट और कोबनेटिव क्वेश्चन अबाउट द लेसन प्रेजेंटेड कि डिस्कस होगा बच्चों के साथ लेसन एंड क्वेश्चनिंग होगी एब्सट्रेक्शन एंड जनरलाइजेशन दिस लेसन इज समराइज बाय ऑर्गेनाइजिंग सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द लेसन प्रेजेंट एंड क्लोजर या क्लोज क्लोजियो एंड अप्लीकेशन सो दिस रिलेशन लेसन टू अदर सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिकल स्टिमुलेशन एंड अ प्ले स्टोरी टैलर ओर रीडिंग तो सारी सारी टर्म यहाँ पर आती है उसके बाद इवेल्युशन होगी कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया है वो उन्हें समझ में आया है कि नहीं या तो हम वहाँ पे पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज़ करेंगे एंड फिर हमारे पास आता असाइनमेंट कि बच्चों को उससे रिलेटेड कोई काम दिया जाएगा जो कि वो घर में जाके करेंगे ओके दिस इज़ एक्टिविटी डन आउटसाइड द क्लास रूम एट होम टू रिफॉर्म और इन रिच द लेसन ओके कि घर में जाके भी बच्चे उसको पढ़ें फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रैटर्जीज uh, कि किस तरह की स्ट्रैटर्जी जो है हम यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए तो जनरली स्ट्रैटर्जी इज बार और बैटल इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल द मोमेंट एंड एक्टिविटी ऑफ एन आर कि जो आपके पास स्ट्रैटर्जी है वो एक वे है जिसमें बच्चे को पढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड जो है यूज़ किए जाते हैं जैसे वार एंड बैटल का नाम यहाँ पे दिया गया है तो हमारे पास जो पहले आती हैं टीचिंग वो है टीचिंग स्ट्रैटर्जी आर डिवाइड टू तो पार्ट दैट इज़ ऑटोक्रैटिक्स एंड डेमोक्रेटिक्स तो फर्स्टली ऑटोक्रेटिक्स जो है वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है तो दिस मेथड इज़ टीचिंग सेंटर्ड मेथड जो आपके पास ऑटोक्रेटिक मेथड है वो टीचर सेंटर्ड है टीचर्स एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर स्टूडेंट जो टीचर है उसका फुल कंट्रोल होता है स्टूडेंट्स के ऊपर एंड द लर्नर आर गिव टाइटल चेंज टू एक्ट फ्रीली स्टूडेंट कैन आल्सो डू वट दे आर अलाउड टू डू एंड ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटी कैन बी क्लासीफाई इन टू फोर टाइप तो याद रखिए ऑटोक्रेटिक आपके पास टीचर सेंटर्ड मेथड है ओके okay? एंड इसमें फोर टाइप होते हैं आपके फर्स्ट है स्टोरी टेलिंग तो स्टोरी टेलिंग आपको पता है टीचर जो है बच्चों को स्टोरी सुनाएगा ओके दिस मेथड इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इट हेल्प हेल्प इन इम्प्रूविंग देयर वोकेबल एंड इंक्रीज इमेजिनेशन पावर एंड इट हेल्प इन डेवलपिंग गुड क्वालिटीज़ इन द स्टूडेंट्स दिस मैथड इज़ यूज इन द टीचिंग लैंग्वेज एंड सोशल साइंस तो जो आपके पास स्टोरी टेलिंग मैथड है वो बेस्ट कहाँ पर होता है टीचिंग लैंग्वेज अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ा रहे हो या सोशल साइंस ये याद रखिएगा कि कहाँ पर यह मैथड बेनिफिशियल होता है आपके पास टीचिंग लैंग्वेज एंड सोशल साइंस में उसके बाद हमारे पास आता है लैंग्वेज मैथड सॉरी लेक्चर मैथड तो लेक्चर मैथड कहाँ पर इंपॉर्टेंट है फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू लेसन एंड कोगनेटिव इफेक्टिव डोमेन आई कैन वी डेवलप विद द हेल्प ऑफ दिस मैथड क्योंकि जो लैक्चर मैथड है उसमें कोगनेटिव एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट होती है इट लेस ऑन द प्रेजेंटेशन इससे थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है प्रेजेंटेशन के ऊपर एंड देयर वाई डेवलपिंग एबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन इन द स्टूडेंट ऑल्सो इट हेल्प टू कंसनट्रेट ऑफ स्टूडेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम एंड ऑल स्कूल सब्जेक्ट जो आपके पास लेक्चर मेथड है उसमें हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है एंड उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आता है तो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होगा टीचर कोई चीज़ लेके आपको एक्सप्लेन करेगा जैसे टीचर शो ऑल द एक्टिविटी गिवन इन द लेसन टू द स्टूडेंट एज एन एक्शन एंड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिफोर दे आर डूइंग डेमोस्ट्रेशन इट हेल्प टू टीचिंग स्किल इज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोअर एंड मिडल लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव कोग्नेटिव एंड साइकोमोटर डोमेन कैन बी इजिल अचीव थ्रो दिस मैथड एंड इट इज़ यूज इन द टीचिंग साइंस सब्जेक्ट तो ये कहाँ पर यूज होता है डेमोस्ट्रेशन साइंस सब्जेक्ट में ओके okay. एंड uh, आपके पास टीचिंग आर्ट्स में भी ये बेनीफिशल है क्योंकि ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करेगा क्राफ्ट एग्रीकल्चर तो ये ही क्वेश्चन बनते हैं कि ये मैथड कौन सी टर्म में आपके पास अच्छा रहेगा नेक्स्ट आता है ट्यूटरल मैथड तो ये आपके पास क्लास में ग्रुप एंड क्लास इज डिवाइड इन टू डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एवरी ग्रुप इज हैंडल बाई डिफरेंट टीचर सेपरेटली इट इज कॉल्ड या इट इज टाइप ऑफ रेमेडियल टीचिंग जो ट्यूटर टीचिंग है उसको रेमेडियल टीचिंग भी कहा जाता है एंड ये आपके पास बेसिकली टीचिंग नेचुरल साइंस एंड मैथ्स के लिए ज़रूरी है जो आपके पास ट्यूटरल मैथड है ये स्पेशली आपके पास मैथमेटिक्स में यूज होता है फिर आप हमारे पास आते हैं डेमोक्रेटिक स्ट्रैटर्जी जो आपके पास डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटर्जी वो चाइल्ड सेंटर्ड है जो आपके पास ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी थी वो स्टूडेंट वो आपके पास टीचर सेंटर्ड थी डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी आपके पास चाइल्ड सेंटर्ड है ये बच्चों के इंटरेस्ट कैपेसिटी एटीट्यूड नीड ऑफ लर्नर आर टेकन इन द अकाउंट तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये वर्क करती है अब ये आपके पास सिक्स टाइप की है फर्स्ट है डिस्कशन मेथड तो डिस्कशन में यानी डिस्कशन होगा जिसमें आपके पास क्वेश्चनिंग हो सकती है थिंकिंग कम्युनिकेशन पावर इन द स्टूडेंट कैन भी डेवलप तो यहाँ से आप इन टर्म्स को स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा एंड इनके बारे में जरूर पढ़िएगा कि यहाँ पर क्या क्या बताया हुआ है जैसे आपके पास ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट केवल इसमें हम मैथ्स नहीं पढ़ सकते आर्ट्स नहीं पढ़ सकते म्यूजिक एंड डांस क्योंकि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बाकी हाई लेवल कोग्नेटिव इफेक्टिव प्रोजेक्ट कैन बी रिस्ड थ्रू द डिस्कशन मैथड फिर हमारे पास स्टिक मैथड आता है तो स्टूडेंट कैन डेम सेल्फ एज द टीचर अराइज रेज अ प्रॉब्लम सिचुएशन बिफोर द स्टूडेंट आर आज सो गाइड दैम रिस्टिक मैथड में प्रॉब्लम दी जाएगी बच्चों को एंड कहा जाएगा कि आप इसे सॉल्व कीजिए टीचर भी हेल्प करेंगे ये बेनिफिशियल क्यों है क्योंकि ये बच्चों की मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज़ करती है क्योंकि ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च एबिलिटी जो है इंक्रीज़ होती है बच्चों की सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा तो स्पेशली आपके पास मैथ्स एंड साइंस में वर्क आता है ओके okay? फिर आपके पास डिस्कवरी मैथड आता है तो दिस इज़ यूज इन सोशल साइंस टू क्लियर फैक्ट तो डिस्कवरी मैथड आपके पास सोशल साइंस में बेसिकली यूज़ किया जाता है एंड प्रोजेक्ट मैथड तो प्रोजेक्ट मैथड किसने दिया था आपके पास डब्लू एच किल पैट्रिक जो आपके पास डब्लू एच किल पैट्रिक है उन्होंने आपके पास प्रोजेक्ट मैथड दिया था तो इसको ज़रूर याद रखिएगा प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था डब्ल्यू एच किल पैट्रिक ने और इनका क्या कहना स्टूडेंट आर असाइन अ प्रोजेक्ट अंडर दिस मैथड विच हैज डायरेक्ट यूटिलिटी फॉर द स्टूडेंट एंड दे फाइंड अ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस एंड इट इज द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग स्टूडेंट लर्न हाउ टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम तो प्रोजेक्ट मैथड आपके पास डब्ल्यू एच किल पैट्रिक ने दिया था एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्यों क्योंकि इसमें बच्चे अपनी स्टेबलिटी अपने जो भी रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं फिर हमारे पास आता है रोल प्लेइंग तो रोल प्लेइंग क्या होता है कि बच्चा वहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा जैसे यहाँ पे दिस मेथड इज़ यूज्ड इन अडॉप्टिंग इन ट्रेनिंग कॉलेज नोन एज माइक्रो टीचिंग एंड ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है सो रोल प्लेइंग यही है आपके पास एंड ब्रेन स्टामिंग ब्रेन स्टॉमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और प्रॉब्लम इज गिवन टू स्टूडेंट दे आर आस्किंग पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज वन बाय वन एंड अ कंक्लूज ड्रॉ आफ्टर इवेल्यूशन यानी बच्चे को कोई प्रॉब्लम दी जाएगी एंड वो उसे अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर जो है सॉल्व करेगा ब्रेन स्टॉमिंग मीन कि आपके माइंड के अंदर तूफान आ जाएगा जैसे आपको कोई प्रॉब्लम दी आपका माइंड वर्क करना शुरू करेगा कि अच्छा इसमें ये होगा इसमें ये होगा तो ये आपके पास बेसिक सी टर्म है आपने पहले भी इनको पढ़ा है एंड हमारे पास माइक्रो टीचिंग आती है तो माइक्रो टीचिंग जो फर्स्ट तो माइक्रो टीचिंग इज टीचर ट्रेनिंग टेक्निक फर्स्टली डेवलप बाई डी विक्ट डब्ल्यू अलाइन एंड हिस् एट अंड स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू अलीन माइक्रो टीचिंग इज द डाउन टीचिंग एनकाउंटर या एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम तो जो आपके पास माइक्रो टीचिंग थी फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दी थी डिविक डब्ल्यू अलाइन ने ओके तो इसको जरूर याद रखिएगा एंड माइक्रो टीचिंग आप स्कूल्स में कर चुके हैं कि माइक्रो टीचिंग में हम किन किन टर्म्स को लेते हैं आपके पास सबसे पहले प्लान आएगा कि आपको क्या करना है फिर आपके पास टीच आएगा फिर यानी फिर आप फीडबैक दोगे फिर आपके पास री प्लान आएगा कि अगर ऑब्जेक्टिव आपके पास पूरे नहीं हुए तो आप दोबारा से री प्लान करोगे फिर री टीच करोगे फिर री फीड करोगे एंड ये प्रोसेस जो है आपके पास रिपीट होता रहता है ओके एंड प्रिंसिपल है आपके पास इट इज़ रियल टीचिंग इट एम्फेसिस वन ओनली वंस की लेटर वन टाइम एंड दिस प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज कैन बी कंट्रोल्ड एंड इट डेवलप द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फीडबैक ओके सो यहाँ पे का ये चैप्टर कवर होता है आई होप कि आपको यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी बाकी यहाँ पे इसके एम भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा एम हैं तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ स्टडी करेंगे सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू हैव अ नाइस डे